अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے
कसस उल अंबिया अलैहिस्सलाम के असबाक में दोहरा रहा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात के दूसरे हिस्से को हम पढ़ रहे थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो वाकयात हुए मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कोशिश की कि सबकन हम उनको दोहराएं, कहीं तफसील के साथ कहीं तलखीस के साथ। फिर आजकल के जुमा के बयानात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और बनी इसराइल के वाक़यात हम पढ़ रहे थे। और उस वाक़े को मैं दोहरा रहा था जो ज़िब है बकरा का वाक़या कहलाता है कि बनी इसराइल के यहाँ एक कत्ल हुआ। कातिल का पता नहीं चल रहा था तो बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक आई उन हजरात ने अर्ज़ किया कि मोहतरम आप फैसला फरमाएं, पता नहीं चल रहा है कि कातिल कौन है। उस मौके पर उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि इनसे कहें कि गाय ज़िबह करें। तो इस वाक़े को मैं पढ़ रहा था और यहाँ तक हम पहुँचे थे कि जब अल्लाह ताला के पैगंबर ने उनको ये हुक्म दिया और अल्लाह ताला का फरमान सुनाया कि अल्लाह फरमाते हैं गाय ज़िबह करो, तो अब बजाय इसके कि वो कोई सी भी गाय लेकर ज़िबह करके अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा कर देते, सवालात पे सवालात करने लगे। अब जैसे जैसे वो सवालात बढ़ाते जा रहे थे उनके लिए सख्तियाँ या शरायत भी बढ़ती जा रही थी। हालांकि बड़े बड़े उलमा ने लिखा है हदीस शरीफ की रोशनी में कि गर वो पहले ही मरहले पर कोई भी गाय पकड़ के करके ज़िबह कर देते तो मकसद पूरा हो जाता और वो जो चाहते थे वो बात पूरी हो जाती, लेकिन वो मुमकिन है करना ना चाहते हों। या ये भी उलमा ने लिखा है कि बाल की खाल उतारना ये बनी इसराइल की फितरत है। हालांकि अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतों का मिजाज ये है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आप तक आए तो फिर उसमें बारीकियों में मत पड़ो, उस हुक्म पर अमल करो। अगर बारीकियों में पढ़ोगे तो साहिब कसस उल अंबिया ने हदीस शरीफ की रोशनी में लिखा है खुद ही परेशान होगे। अब वो चूंकि बनी इसराइल के उलमा ने लिखा है ये फितरत रही है, वो बाल की खाल उतारते थे तो जब बाल की खाल यहां भी उतारने लगे तो उनकी अपनी खाल उतारनी शुरू हो गई, अब परेशान हुए। तो एक मरहले पर पहुंचने के बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे पालु दो लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही इन्नल बकरा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशा अल्लाह लमुहतदून। अल्लाह के कलीम हमारे लिए हमारी खातिर अपने रब से फिर पूछिए कि वो कैसी हो, हमारे लिए तो बात शक में पड़ गई है, हम अभी तक भी समझ नहीं पाए कि वो कैसी होनी चाहिए। इतने सवालात और जवाबात के बाद भी नहीं समझ पाए, लेकिन इस मरहले पर पहुंच कर कहने लगे अगर अल्लाह ने चाहा तो अब हम पहुंच जाएंगे, अब हम कर। अच्छा, जब ये लफ्ज कहा तो उलमा ने फरमाया कि अब बात अखीर को जा लगी।
गालिबन मौलाना असलम शेखोपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कलाम पाक की अपनी तफसीर में इस मौके पर यह बात लिखी है कि जब इंसान किसी अमल के मौके पर इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कह दे तो अल्लाह के नाम की बरकत से इंसान के लिए वो अमल आसान हो जाता है। कहने लगे अब अल्लाह ताला ने चाहा तो अब हम पहुंच जाएंगे, अब हम कर देंगे। قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث। अब फिर एक और मरहले को दोहराया तो फिर अब बात और आगे बढ़ी। قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث। न खेती बाड़ी करती हो ना पानी की मेहनत करती हो। मुसल्लमतुल्ला शिया तफीहा, बिल्कुल बेदाग हो यानी हर लिहाज से सलामत हो, उससे कभी कोई मेहनत ली ही ना गई हो और कोई दाग भी ना हो उस पर, यानी सही सलामत हो हर लिहाज से। अब ऐसी गाय ढूंढना आसान काम तो नहीं था, लेकिन अब यहां पहुंचकर कहना कालुल आन जित बिल हक, कहने लगे हां अब आप सही बिल्कुल वाजे बात लाए, अब हम समझ गए। इस मौके पर मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से हारवी रहमतुल्लाह अलैह की वही बात याद आती है कि थे फिर भी बनी इसराइल। अब तलाश करने लगे, मैंने अभी अर्ज किया कि ऐसी गाय का तो फिर मिलना भी आसान नहीं, चूंकि सवालात पे सवालात बढ़ाते रहे तो कुयूद भी बढ़ती रही। हालांकि उलमा ने हदीस शरीफ की रोशनी में लिखा है अगर पहले मरहले पर ही अल्लाह ताला के हुक्म को सामने रखकर कोई भी गाय पकड़ के कर देते तो मकसद पूरा हो जाता, लेकिन अब तो ये सारी कुयूद ये सारी शरायत मौजूद थी, अब इनके मुताबिक वो गाय ढूंढनी है। लगे तलाश करने लगे वो मिले नहीं, उलमा ने लिखा है ये दिन चल रहे थे कि उस गाय की कोई खबर इन तक आई कि एक नौजवान लड़का है जिसके पास ये गाय है, जिसके अंदर ये सारी शरायत पाई जाती हैं। उलमा ने लिखा है कि असल में वो एक लड़का था, एक उसकी वालदा रहती थी, वालिद उसके थे नहीं, और ये गाय उसके पास थी। अलबत्ता एक दफा वो इसको बेचने के लिए भी गया बाजार में, तो उलमा ने लिखा है कि कीमत लगी, लेकिन उस लड़के ने ये जवाब दिया खरीदार को कि भाई मैं अपनी वालदा से मशवरा करके बताऊंगा, वाले तो चुके थे नहीं। किस्सा मुख्तसर ये करें कि कई दो दफा इसी तरह की बात हुई तो आखिर में उन्हीं साहेब ने जो इनसे कीमत को बढ़ा रहे थे और ये वालदा से मशवरे की बात कर रहे थे, उन्होंने ही इनको मशवरा दिया कि मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसको मत बेचना, कम से कम यहां तो मत बेचो आप। कि जी वो क्यों? कहने लगे अनकरीब बनी इसराइल आपके पास आएंगे इसको खरीदने के लिए, और ये उनकी ऐसी ज़रूरत होगी कि आप से मुंह मांगा खरीदेंगे इसको। अब वल्लाह हुआ आलम, बहरहाल पुरानी किताबों में ये चीज़ें उलमा ने लिखी तो हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि वो गाय उस लड़के के पास थी, इनको पता चला। अब जब इनको पता चला तो ये है ये आए और इन्होंने देखा कि भाई ये तो जो जो शरायत हमारे सामने बयान की गई थी वो सारी इस गाय में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मतलब लड़के से बात देख कर, क्यों? कहा हाँ भाई इसमें तो कोई शरारत। उन्होंने लड़के से बात की कि भाई इसको हमें चाहिए, उन्होंने कहा भाई मैंने बेचता भाई, उन्होंने कहा बेच दो, उन्होंने कहा मैं क्यों बेचूं भाई, चीज मेरी है मैं क्यों बेचूं। कभी कभी अंदाज होते हैं ना बेचने या खरीदने की भी।
कहा बेच दो। उन्होंने कहा भाई मैं क्यों, अच्छा जब बात आगे बढ़ी कहा भाई हमें हर हाल में ये चाहिए और मुंह मांगी रकम ले लो। वो लड़का कहने लगा मुंह मांगी, कहा मुंह मांगी ले लो। इन्होंने कुयूद बढ़ाई थी तो वो कुयूद भी ऐसे बढ़ी कि उलमाए तफासीर ने लिखा है कि तान यहां आकर टूटी के भाई एक तरफ गाय या गाय की खाल रखी जाए और दूसरी तरफ सोना रखा जाए, जब मीजान बराबर होगी तो फिर ये गाय सोना हम ले लें, गाय गाय आप ले जाओ। बहरहाल वो कत्ल के उससे बचना तो चाहते थे, उन्होंने बात को शुरू किया, कहा ठीक है भाई जैसे तैसे भी हो आप पूरा करो। उलमा ने गालिबन दो बार कौल लिखे हैं, एक ये कि जो मैंने अभी खुलासे में अर्ज कर दिए कि मीजान में एक तरफ गाय को रखा जाए और दूसरी तरफ सोने को रखा जाए, और दूसरा ये कि मतलब जो वो गाय है उस गाय के अंदर जो गाय के ऊपर जो खाल है उसमें सोने को भरा जाए, उस मिकदार का सोना लेंगे तब गाय देंगे। लड़के ने कहा वरना मैं नहीं देता। अब बहरहाल मरे क्या ना करने वाली बात है, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन खैर तफसीर मक्की में या साहिब कसस अल-अंबिया ने बड़ा ये अच्छा जुमला लिखा है, हजरत ने लिखा है कि ये सब इसराइली रिवायात हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं, वरना फिल हकीकत जो खुलासा है वो ये है कि बहुत कीमत में ख़रीदा, ये है उसका खुलासा। बाकी इसराइलियात हैं वल्लाहु आलम भी हकीकत अल-हाल, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। जिसका खुलासा पढ़ने से समझ में आता है वो यही है कि बहुत कीमतन ख़रीदा गया उसको, बस ये। अच्छा जब ले लिया फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून, अब ज़िबे किया, हालांकि अल्लाह ताला ने फरमा अब ज़िबे किया उसको, हालांकि वो लगते नहीं थे कि ज़िबे करेंगे, यानी जो उनके लक्षण थे या जो उनके सवालात सामने थे उससे तो यही लगता नहीं था कि ये करेंगे। फ़ज़बहुहा कर दी। अच्छा जब ज़िबे किया, अच्छा एक और चलते चलते बात याद आई, वो भी जहन में रख लें, एक इल्मी बात है बड़ी आसान, इल्मी भी है अमली भी है और ईमानी भी है। उलमा ने लिखा है इस बाब में कि कभी कभी आप और हम फल खरीदते हैं ना, मसलन तरबूज होता है, पपीता होता है, माल्टा होता है, इस तरह के फल हम खरीदते हैं जिनको हम काट के खाते हैं, तो पता नहीं होता कि भाई मीठा होगा या फीका होगा। चाहता तो हर इंसान यही है कि मीठा हो, लेकिन पता नहीं होता। तो उलमा ने लिखा है, अगर मैं मिसाली बात करूं, उलमा ने लिखा है अगर तरबूज रख दें सामने और काटने से पहले पढ़ें फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून, अब काटें तो इसके सदके में मीठा हो जाए। ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। बहरहाल कलाम पाक हो या अहदीस तैयबा हो, इनके अपने अनवार तो हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून, उन्होंने उसको ज़िबह कर दिया जबकि वो करने वाले नहीं थे, लगता नहीं था कि करेंगे लेकिन किया। अब आइए उस बात पर जिस पर यह सारा मसला चला था, जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया कि उनके यहां एक कत्ल हुआ था और कातिल का पता नहीं चल रहा था। वइज कतल तुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा, अब अल्लाह ताला ने उस बात को बयान फरमाया, गाय के ज़िबे करने का हुक्म, सवालो जवाब सब अल्लाह ताला ने पहले बयान फरमाया, इस बात को अल्लाह ताला ने बाद में बयान फरमाया। वह इज़ कतल तुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया जो कत्ल किया गया था और फिर एक दूसरे पे लगा रहे थे, एक कहता था उसने, एक कहता था उसने, अल्लाह ने फरमाया जो बात वो छुपाना चाहते थे अल्लाह ताला उसको जाहिर करना चाहते थे।
जो वो बात छुपाना चाहते थे अल्लाह ताला ने जाहिर कर, और इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया था कि गाय ज़िबह करो, और गाय को ज़िबह करने के बाद उसके गोश्त का टुकड़ा लो। फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा, उसके गोश्त के टुकड़े को इससे लगाओ। कदालिका युहिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिहि लअल्लकुम ताकिलून, वो गोश्त का टुकड़ा उस गाय के साथ, उस लाश के साथ लगाओ, गाय के गोश्त का टुकड़ा लाश के साथ लगाओ, वो खुद ही बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा कदालिका युहिल्लाहुल मौता। अच्छा, यहां पर उलमा ने एक सवाल किया है कि अल्लाह ताला तो कादिर थे, बगैर इस सारे माजरे के बता देते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए ही बता देते, गाय ज़िबह करना फिर उसका गोश्त लगाना। तो बहरहाल ये याद रखें, मुफ्ती आज़म हिंदो पाक मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला के हिकमतों में राज होते हैं, मैं और आप उनका इहाता नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे सलामती का रास्ता यही है कि इस मरहले पर सुकूत इख्तियार करें और तस्लीम करें। हिकमतें राज अल्लाह जानते हैं, वरना अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमा देते कि इसने किया है। एक बात, और या अल्लाह ताला जो है वो किसी और तरीके से भी ये जो माजरा किया गया, उलमा ने इसकी कई वजह लिखी हैं, गालिबन तीन तो बड़ी वजह लिखी गई हैं, लेकिन बहरहाल मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात बड़ी वाजे करके लिखी है कि मेरे ख्याल में इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ही अपने हुक्मों और अपने फरामीन के राजों को, हिकमतों को, मसलहतों को वही ज़ात जानती है। आप और हम इहाता नहीं कर सकते। हमारे लिए सलामती का रास्ता यही है कि हम माने और इस मरहले पर सुकूत इख्तियार करें। देखें, एक बात होती है समझने की, एक अल्लाह ताला का हुक्म होता है, एक अल्लाह ताला की मखलूक होती है, तखलीक जिसको कहते हैं। सब राज अल्लाह के हैं, आप तो हम तो नहीं जानते। देखें, आप और हम इब्ने आदम हैं, और हम में दो सिलसिले चलते हैं, मर्दों का और मुखालिफ जिन्स का। बात ध्यान मेरी तरफ रहे, लेकिन देखें, आप में और हम में कई ऐसे इंसान होते हैं वो सर से लेकर पांव तक बिल्कुल सही सलामत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो माजूर होते हैं, कुछ दिमाग से माजूर होते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, बाकी सारा जिस्म उनका सही सलामत होता है लेकिन दिमाग काम नहीं करता। अच्छा, जब दिमाग काम नहीं करता तो वो बेचारा सही गलत में क्या तमीज़ करेगा? आप और दुनिया का कोई कानून उसको कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों का नूर माजूर, आंखों के लिहाज से माजूर होते हैं, वो बेचारे देख नहीं पाते। कुछ ऐसे होते हैं वो बोल नहीं पाते, कुछ हाथों से, कुछ पाँव से, मुख्तलिफ तरह के माजूर होते हैं। अब ये आप और हम तो नहीं जानते। अच्छा, और ऐसे मराहिल भी देखे गए हैं, माँ बाप सही सलामत होते हैं, औलाद माजूर हो जाती है। कभी कभी बरक्स मामला होता है कि माँ बाप माजूर होते हैं, औलाद सही सलामत होती है। कारीगरी तो सारी खुदा की है ना, वो हिकमतें, वो राज वो ही जानता है। अच्छा, और एक और इंसानों में दो बड़े तबके हैं ना, अपना अमीर और गरीब। आपका क्या ख्याल है, इंसान के अपने बस में है ये शय? अगर इंसान के अपने बस में ये शय हो ना, तो फिर तो सबसे ज्यादा अमीर मैं हूं। ऐसी बात नहीं है, इंसान के अपने बस, इंसान कई ऐसे इंसान होते हैं बेचारे, मेहनत के लिहाज से लाखों जतन करते हैं, देखो कुछ भी हासिल नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मिसाल हमारे यहां मुआशरे में दी जाती है कि मिट्टी को सोने हाथ में ले तो सोना बन जाए। पता चलता है ये कारीगरियां किसी और कुदरत की, जो वो चाहते हैं वही होता है। एक तो ये बात ध्यान में रखें, दूसरी बात इसी बाब में
तफसीर मक्की में एक वाकया लिखा एक बादशाह का। आपको पता है पुराने दौर बादशाहों के दौर हुआ करते थे, अब दौर बदल गए। तफसीर मक्की में लिखा है कि एक बादशाह बाहर जा रहा था तो उसकी नजर एक कीड़े पर पड़ी। अच्छा, कीड़े पर पड़ी तो वो बादशाह को भाया नहीं। देखिये मखलूकात मुख्तलिफ तरह की होती है ना, कुछ ऐसी होती है इंसान देखता है अच्छी लगती है, कुछ ऐसी होती है इंसान देखता है खौफ आता है, कुछ ऐसी होती है इंसान देखता है घिन आती है। इंसानों में भी इस तरह है, कुछ होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको देख के आदमी को रात की नींदें भाग जाएं। हालांकि दोनों का अपना बस तो कोई नहीं है, ये एक बालिश्त का हिस्सा है ना। ये उलमा ने लिखा है यहां से यहां तक ज्यादा तकरीबन एक बालिश्त, यहां से यहां एक बालिश्त, एक बालिश चलंबाई एक बालिश चौड़ाई। इस पूरी कायनात में हजरत आदम से लेकर कयामत तक जो भी इंसान आएगा एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। ये कारीगरियां सिर्फ अल्लाह की। हालांकि दो आंखें होती हैं, एक नाक होता है, दो होंठ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। इसी को तो उलमा ने लिखा है मारा जल बहरतियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान। ये फर्क डालने वाली वो ज़ात है। अब वो कीड़ा उस बादशाह सलामत ने देखा तो कम तबीयत पे बोझ आ गया। कुछ तबीयतें नाजुक होती हैं ना। ये तो खैर बादशाह थे, लेकिन हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के वाकया तो आज भी तारीख में मशहूर हैं कि यानी ऐसे नफीस तबीयत थी उनकी कि मसलन अगर आपने उनको पानी का गिलास दिया पीने के लिए, उस गिलास को अगर आपने ढांपा नहीं किसी शय से ना, तो हजरत की तबीयत में अजीब उतार चढ़ाव पैदा हो जाता था। एक दफा एक मुरीद आया, उलमा ने लिखा है रिजाई लेकर तोहफे के तौर पर कि हजरत आपके लिए लाया हूं। फरमाया रख दो मियां, रख गए। अच्छा भाई ख्याल आया तो भाई ले आओ, रात को ओढ़ के सो जाएं, मुरीद भी खुश हो जाएगा। वो जब ला के रख दिए, अच्छा उड़ा दी गई हजरत को, तो उलमा ने लिखा है उसके धागे जो थे ना वो तरतीब में नहीं थे, वो मेरे जैसे अनाड़ी ने बुनी होगी। तो जिसका काम उसी को साजे है ना, जब मेरा जैसा करेगा तो डंका बाजे है। अब वो हजरत सारी रात जो है वो करवटें ही बदलते रहे। मेरे और आप जैसे हो तो हम तो घोड़े बेच के सोएंगे, हमें धागों से क्या लगेगा। अच्छा हजरत सुबह उठ के जब मजलिस में आए तो हजरत की आंखें सुर्ख थीं, चूंकि सो नहीं पाए। उधर से मुरीद साहब तशरीफ ले आए, बड़े खुश थे, भाई हजरत मुझे शाबाश देंगे। हजरत ने कुछ कहा ही नहीं, तो उसने खुद ही कहा हजरत आपके लिए रिजाई लाया था, कैसी रही। उन्होंने कहा रिजाई लाए थे, हम तो सारी रात सो नहीं पाए, ऐसी रही। उनका हजरत क्यों, कहने लगे अल्लाह के बंदे उसके धागे देखे हो, कोई रदीफ काफी से मिलने नहीं पा रहा है। तो ये उलमा ने लिखा है हजरत की तैसी। अच्छा ये बात तबीयत ऐसी होती है, बादशाह ने उस कीड़े को देखा तो उसकी तबीयत ऊपर से नीचे हो गई। उन्होंने कहा लेकिन एक बात समझे ना, हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के पास जो रिजाई आई थी उसको बुनने वाला एक इंसान था, लेकिन जिस कीड़े को देखकर बादशाह ने नफरत का इजहार किया उस कीड़े को बनाने वाली वो जात थी। अगरचे हम इजहार न करें, क्योंकि उलमा फरमाते हैं याद रखें मखलूक सारी अल्लाह की है, लेकिन अदब के कुछ तकाजे होते हैं, अदब के कुछ तकाजे आते होते हैं, उनका इजहार ना करो। मसलन आप और हम सब कहते हैं ना या रब्बिल आलमीन, है या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे जहान आ गया। लेकिन उलमा ने लिखा या, अच्छा अब इस जहान में तो सब कुछ आ गया, लेकिन क्या या रब्बे खनाजीर ये जायज है कहना, बोलो। हालांकि खिंजीर को किसी और खुदा ने बनाया है, और बोलो तो सही नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन अदब माने कि ये अल्फाज यूं कहें कि ए खिंजीरों के खालिक, ए बंदरों के खालिक, ये अच्छा नहीं लगता। उलमा ने लिखा ये अदब के खिलाफ है, इसलिए बस यूं कह दें या रब्बिल आलमीन तो सारा जान आ जाएगा, इसमें अदब बरकरार रहे। बात समझ आ रही है। अब कीड़े को पैदा करने वाली तो वो जात थी,
अच्छा वो देखा तो एक तो वो खुद ऐसा था, फिर उसके ऊपर गंदगी लगी हुई थी, तो इस तबीयत बादशाह की तबीयत में और उतार चढ़ाव पैदा हो गया। उसके मुंह से निकला, उसने कहा कि अल्लाह इसको पैदा करने की क्या जरूरत थी। देखें बादशाह था ना, कोई वो बात तो थी नहीं। अच्छा तफसीर मक्की में आया है कि वो तो ये कह के आगे बढ़ गया। ध्यान देना, चंद रोज गुजरे तो बादशाह के पांव पर एक फोड़ा निकला, उस फोड़े ने बादशाह के नाक में दम कर दिया। अच्छा यानी उस जमाने के जो इलाज उस मौके पर बादशाह के बस में थे सब कर डाले, लेकिन कोई आराम ना आया। वो यानी वो कहा करते हैं ना कि जूं जूं दवा की तो वो मर्ज और बढ़ता गया, जैसे जैसे इलाज करे फोड़ा और ताजा होता जा। तंग आ गया, तंग आके छोड़ ही दिया भाई यार, छोड़ ही। अब और जो बस में था वो कर दिया, अब नहीं हो रहा है क्या कर। एक दिन जा रहा था, तफसीर मक्की में आया कि आगे एक हकीम साहब आए। वो हकीम साहब भी थे और अल्लाह वाले भी थे, नेक इंसान थे। देखें अब तो दौर बदल गया ना, अब तो मैंने और आपने मदारिस देखे ऐसे जैसे ये मेरा और आप वाला है कि इब्तिदा से इंतहा तक बस अल्लाह का फजल है। वरना उलमा ने लिखा है एक दौर ऐसे गुजरा है दारुल उलूम देवबंद पर कि वक्त के शेखुल हदीस से लेकर दरवाजे के चपड़ासी तक सारे अहलुल्लाह होते थे। दौर की बात होती है। अच्छा हकीम साहब से मिले तो दुआ सलाम हुई, बात अच्छी तरह करता था वो, तो हकीम साहब की नजर पड़ी बादशाह के पैर पर, तो वो फोड़ा देखा। फोड़ा देखा तो कहा कि ये क्या है। तो बादशाह ने अपनी सारी रामलीला सुना दी कि फोड़ा निकला है, इलाज यूं किया यूं किया यूं किया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, तो छोड़ ही दिया। अब क्या करें, अब जितना बस में था उतना तो कर दिया। हकीम साहब ने कहा बादशाह सलामत अगर आप इजाजत दें तो हम इसका इलाज कर दें। कि आप कर सकते हो? ने कहा देखें इलाज हमारे बस में है, शिफा तो उस रब के बस में है। वह इजा मरीज तो फहुआ यशफीन, इलाज हम कर देंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैर हो। ठीक है आप आ जाना। हकीम साहब दूसरे रोज चले गए। जब उस फोड़े को अच्छी तरह देखा, अच्छा आप देखें तफसीर मक्की में आया कि हकीम साहब उठा लाए वो या मंगवा लाए वही कीड़ा जिसे जिसके बारे में बादशाह ने कहा था कि अल्लाह मियां इसको पैदा करने की आपको क्या जरूरत थी, ये ना आता तो आपकी शान में या इस कायनात में क्या कमी होनी थी। लेकिन ये हिकमतें पैदाइश की तखलीकी तो अल्लाह जानते हैं ना, ये तो बेचारा जानता नहीं था। और फिर जिसका जो काम है उस पर छोड़ दो। अब आप और मैं कहें कि यार ये नींबू खट्टा क्यों और आम मीठा क्यों, तो ये तो बात नहीं है। अब आप और हम कहें जी करेला कड़वा क्यों है और भिंडी की अपनी लज्जत क्यों है, तो भाई ये तो कुदरत ने जायके और रंग भरे हैं, ये वही जात जानती है। हमें और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा हकीम साहब ने वो कीड़ा लिया, उससे एक दवा बनाई। तफसीर मक्की में लिखा है कि उससे जब दवा बनाई तो बादशाह देखने लगे ये तो वही है, लेकिन चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? वो आपके यहाँ यानी हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना कि डूबके को तिनके का। अब उन्होंने कहा अब ये है या कोई भी है इससे जान छूटे। तफसीर मक्की में आया कि उस कीड़े से एक मरहम बनाई हकीम साहब ने। वो मरहम बनाने के बाद उसको बादशाह के फोड़े पे लगाया, एक दफ़ा लगाया, दूसरी दफ़ा लगाया, तीसरी दफ़ा लगाया, वो फोड़ा गायब हो गया। अच्छा जब बादशाह की चौथे दिन नजर पड़ी तो पांव साफ हो गया। अब उसको ख्याल आया कि ये मेरी बदतमीजी की दरअसल सजा थी। तफसीर मक्की में आया उसने हाथ उठा के कहे या अल्लाह उस बदतमीजी की मैं आपसे माफी मांगता हूं, अपनी तखलीक अपनी करीगरियां तू ही जानता है। सुभान अल्लाह। तो कह दो हांगकांग वालों आपको तो नहीं फोड़े निकले हुए हैं, और बोलो तो सही। खैर बहरहाल बात यह अर्ज कर रहा था कि
इसी ज़िम्न में उलमा ने लिखा है, इसी बाब में ही है यह मसला कि बनी इसराइल के यहां जो गाय ज़िबा की गई, अल्लाह ताला चाहते तो पहले मरहले पर हजरत मूसा को बता देते कि इसका कातिल कौन है, और हजरत मूसा बनी इसराइल को बता देते। लेकिन यह सारा सिलसिला चला है राज पर, उलमा ने बहस की है कि इसमें राज क्या थे। मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तीन बड़ी हिकमतें लिखी हैं, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अल्लाह ताला के सुपुर्द कर, वो अपने राज वो ज़ात जानती है, उसके हिकमतों के राज आप और हम नहीं इहाता कर सकते। मैं आपसे पूछता हूं, दो रकात नमाज पढ़ते हैं ना, हर रकात में रुकू कितने हैं? हर रकात में 6 रुकू है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर रकात में कितने रुकू हैं? 1। सजदे कितने हैं? 2। अब सवाल है ना, रुकू 1 क्यों, सजदे 2 क्यों, है या नहीं, बोलो तो, है ना। अच्छा, अब देखो पूरी नमाज में कहीं इशारा नहीं किया जाता, लेकिन जब पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इशारा करना सुन्नत है, ये हुजूर की सुन्नत है। और इसका तरीका आता है या कहो तो बता दूं, अश पे यूं करो, अल्लाह पे खड़ा करो, इल्लल्लाह पे गिरा दो, और फिर सलाम तक ऐसे ही रखो, ना तो यूं यूं करते रहो, ना यूं कर दो, ना इसको इल्लल्लाह पे जो गिरा दिया बस अब इसको ऐसे ही रखो, सलाम तक ऐसे ही रखो। हाँ, अगर आपने तीसरी रकात में खोल उठना है फिर खोल दो, ये सुन्नत है। बोल क्या है, ये सुन्नत है। अब इसमें राज क्या है? अच्छा, इसी तरीके से हुक्म ये है ना, इंसान के पांव कितने होते हैं? 8 या 6? और बोलो तो सही, 2 होते हैं ना। एक पांव पे जो ये पांव है, इस पांव को बिछाया जाए और इस पांव को खड़ा किया जाए, ठीक है, ये याद रहे, ये सुन्नत है, इसको बिछाओ और इसको खड़ा करो, ये सुन्नत है। अब ज़हन में इंसान के पैदा होता है कि देखें अल्लाह के पैगंबर के कोई काम हिकमतों से खाली नहीं होते, ये राज जरूर है कि इसमें इस पर हुजूर बैठे हैं, इसको हुजूर ने खड़ा रखा है, आज भी सुन्नत है इंसान के लिए कि इस पांव को बिछाकर इस पर बैठे, अत्तहियातुलिल्लाह की बात कर रहा हूं, और इसको खड़ा रखे। अब इसमें राज क्या है? अब काबिर, अच्छा तो काबिर ने हर बात को लिखा है। अब देखें जब आप और हम नियत करते हैं तो हुक्म क्या है कि हाथों को यूं करो और कहां तक उठाना है? कानों की लो, ये कानों की लोएं कहलाती हैं, ये इनके साथ यूं मस हो और उसके बाद हाथों को यूं बांधो। अच्छा, अब इसमें राज क्या है? ये सारी हिकमतें कहलाती हैं, उलमा ने इनके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये उसूल अपने जहन में आप बिठा लें कि ये सारे हुक्म सर आंखों पर है, राज हो जाए। देखिए आजान होती है ना, आजान अल्लाहु अकबर से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है? और बोलो तो सही, हमारे आजान भी नहीं आती, आखिर ला इलाहा इल्लल्लाह पे आजान खत्म होती है। अच्छा, इल्लल्लाह पे कलमा खत्म हो जाता है या आगे भी है? और बोलो तो सही। अच्छा, तो आजान जब आखिर में हुआ करे तो बढ़ा लिया करो, इल्लल्लाह पे खत्म करने के बजाय कहो मैं तो पूरा कलमा पढ़ूंगा, बढ़ा सकते हैं? बोलो तो सही। और सब मानते हैं कि इल्लल्लाह पे कलमा तो पूरा नहीं होता, कलमा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे पूरा होता है। जायज ही नहीं है कि कोई मुअज्जिन आखिर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलाए, इल्लल्लाह पे खत्म हो। क्यों? शरीयत में जो हुक्म है जैसा है। इसमें राज क्या है कि भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कलमा पूरा हो रहा था लेकिन आजान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म कर दी गई। मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हिकमतें खुदा के सुपुर्द कर, हालांकि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम सवालात के जवाब में एक किताब लिखी है अहकाम इस्लाम अकल की नजर में, एक एक मसले को हजरत ने लिखा है। वुजू में इंसान शुरुआत यहां से करता है, कुल्ली 3 बार करता है, नाक में पानी 3 बार डालता है, ये सारे राज इनमें क्या है। लेकिन बहरहाल आप एक ही चीज इनमें रख लें, राज सारे अल्लाह के सुपुर्द कर, अल्लाह बेहतर जानते हैं। आप और हम खुदा के इल्म खुदा की हिकमतों का इहाता नहीं कर सकते। तो बहरहाल जब अल्लाह ताला का ये हुक्म पूरा किया गया तो उलमा ने लिखा है कि वो जो गोश्त था ना गाय, अब इस पर बहस है वो कौन सा गोश्त, क्या जरूरत है बहस करने की कि वो कौन सा गोश्त था, बस गोश्त था, लेकर उस लाश के साथ बखाली मस करने की देर थी, वो उठ के बैठ गया, भाई आपका कातिल कौन है? उन्होंने कहा ये जो मेरा भतीजा मेरा मुदई बन के बैठा यही है भाई, ये कह के वो गिर गया।
बस मकसद तो पूरा हो गया ना, पर उससे ज्यादा अल्लाह ने उसको जिंदगी नहीं दी, बस इतनी दी थी। और उलमा ने लिखा है ये हजरत मूसा का मौजजा था, क्योंकि हजरत मूसा खुद मौजूद थे, तो लाश ने उड़ के बता दिया, उन्होंने उसको पकड़ लिया, जब पकड़ लिया भतीजे साहब को तो उड़ा दिया, क्योंकि आपके सास नाफिज करना था। और कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मोहतमिम दारुल देवबंद फरमाया करते थे, हजरत मूसा की शरीयत में माफ़ी नहीं होती थी, फ़र्ज होता था जैसे किसास कहते हैं, और उसे किसास की नज़र उड़ा दिया। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? और बोलो तो सही। बकिया तक किस्सा इंशाल्लाह आइंदा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत पढ़।